मैंने कहा रोज एक मिलेगा, सात दिन में सात इकट्ठे हो गए। Thank you.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री गुरु महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्य, कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रिजे भगोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करी चरण बंदन, जाहा हई ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। तमादि देवम करुणा निदानम, तमालवर्णम सुहृदावतारम। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतम स्वरूपम्। जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह का तराजु भाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महात्म को। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर किसी ग्रंथ की महिमा को हम समझना चाहते हैं, कहते हो ग्रंथ का चार दृष्टिकोण से ग्रंथ को ऊपर में विचार करनी चाहिए। पहला नंबर है, ये भागवत कथा कौन सुन सकता है?
लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। जब करोड़ करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, पापी पापी हमने किया है, क्या ये भागवत कथा पर सुन नहीं सकते हैं, तब उदाहरण देते हैं कथा सुनने का पहला गुण केवल श्रद्धा है। अगर आपके हृदय में श्रद्धा है आप कथा सुन सकते हो, इसलिए पापी से पापी क्यों नहीं। जैसे धुंधुकारी कल सुन रहे थे ना, धुंधुकारी मतलब क्या है, बोले धूम धूम करती थी धुंधुकारी, जो संपूर्ण जीवन को मचला दे। इतने दुष्ट बदमाशी था वो, कुत्ते को साथ में दिन भर रहता था, कुत्ते को साथ में खाना खाता था, किसी बच्चे को कुएं को सामने खड़े हुए देखकर धक्का मार देता था, किसकी घर में आग लगा देता था, छः बेस्या को रख लिया। फिर उसने अपना पिताजी को इतने सताया, पिता तो घर छोड़कर भाग गए, मैया को इतने सताया, मैया कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग, और बेस्या ने बड़ी बुरी तरह से उसको मारे और लास्ट में उसने प्रेतात्मा बन गया। जब उसको नाम पर गया में पिंड दे करके धुंधुकारी आया, तभी देखा कभी घोड़ा बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी बिल्ली बन करके डरा रहे। बोले तू कौन हो, वो बोलना चाहता है लेकिन इतना पाप बोल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कमंडल से पानी लेकर के जब उसको पर छिड़काव करवाए थोड़ा पाप कम हो गया, तो बोले अहम भ्राता तो दे अस्मी धुंधुकारी इतना मन, भैया मैं तेरे भैया धुंधुकारी हूँ। बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया, तेरे मुक्ति नहीं मिली। बोले एक बार क्यों, मेरे नाम 100 बार भी दे तो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, इतना मैंने पाप कर्म किया। लेकिन सूर्य देवता ने क्या बताया, भागवत सुना, और भागवत से ही उनको मुक्ति मिली। इसका तात्पर्य यह है अगर हम पापी से पापी क्यों नहीं हो, ये बच्चे को पास में रखा करो, हाथ कहीं चला जाएगा दरवाजा के अंदर में। इसलिए कहते पापी से पापी क्यों नहीं हो, अगर ये भागवत कथा को हम सुनेंगे, केवल आओ और कथा में बैठ जाओ, कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल कथा ही सुनते रहो बस, इसी से ही हमारी उद्धार हो जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया, अगर कोई बोले हम तो सब जानते हैं, अरे सब कथा पता सुनने का हमें कोई जरूरत नहीं, ये सब सुनी सुनाई कथा कितना बार सुनेंगे। इसलिए उदाहरण देते हैं श्री चतुसन जैसे, श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, कथ परिनिष्ठित अपी है नरिगुण उत्तमल श्लोक लीलया, जो ब्रह्म में जो डूबे हुए थे श्री सुखदेव चतुसन, जब इनकी कान में एक भागवत का श्लोक पड़ा वो पागल हो गई। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी पूरा के पूरा निकल करके आए और ये पूरी भागवत कथा सुने, इसका मतलब है भगवान की कथा को जितने सुनना लगेगा जैसे मैंने कभी सुनी नहीं। आप लोग रोटी खाते हो, सब रोटी खाते हो ना, अगर एक दिन ही अगर रोटी नहीं मिला तो बोले हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुँह ही नहीं देखे। अरे अगर रोटी में इतने स्वाद हो सकता है, पर भगवान के नाम में कितने आनंद नहीं होगा, जो रस स्वरूप, जो आनंद स्वरूप, जो प्रेम स्वरूप है। इसलिए कथा को कौन सुन सकते हैं, पापी से पापी और ज्ञानी से ज्ञानी भी ये कथा सुन सकते हैं, मतलब कथा सुनने का सब अधिकारी है। दूसरा उदाहरण दिए, बोले ये कथा सुनेंगे कहाँ से, उदाहरण दिया सब जगह में कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा होनी हो रही जाकर बैठ गई नहीं हो, तब पद्म पुराण में बताए बोले अवैष्णव मुखत गिरनम पुतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट जथापय। उदाहरण दिया जैसे दूध पीने से क्या होता है, भूख निवृत्ति होगा, शरीर में ताकत आएगी, हृष्ट पुष्ट होगा, लेकिन वही दूध में अगर सांप मुंह मार दिया तो क्या होगा, वो देखने के लिए तो लगेगा दूध है लेकिन उसको पियोगे ना वो मरने का कारण बनेगा, लेकिन देखने के लिए वो दूध लगता है। इसलिए कहते कथा जहाँ था नहीं सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए वैष्णव से हैं, तभी ये कथा हमारी काम में ये कथा आएगी। जो व्यक्ति निष्काम होकर के
केवल ठाकुर जी की प्रेम की प्राप्ति को उपलक्ष्य में ये भागवत कथा करते हैं। अगर उनसे कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति और हृदय में प्रेम आएगा, नहीं तो जिसको तिसको मुंह से सुनोगे। अभी जो कथा सुनाने वाला जो व्यक्ति उसकी हृदय में जो भावना और सुनने वाले व्यक्ति की भावना हृदय में भी वही भाव ही हृदय में आएगा। उदाहरण दिया जैसे कि श्रीमद् भागवत है, जैसे समुद्र मंथन किया उससे विष भी निकला और उसमें अमृत भी निकला। कभी ये भागवत से विष भी निकलता है इससे अमृत भी है। बोले भागवत में विष है? बोले हाँ इसमें विष भी है, हैं? इसलिए भागवत का जो उपसंहार का श्लोक में बताए, वस्तु तनिष्ठम कैवल्य ऐक्य प्रयोजनम, हैं? अगर इसमें क्या बताया, बोले जीवन का प्रयोजन क्या है, बोले कैवल्य मुक्ति। इसलिए ज्ञानी लोग मुक्ति को पीछे भागते हैं, लेकिन जब वही श्लोक को जब भक्त लोग व्याख्या करते हैं, बोले केवल एक क्या है वो ब्रज भक्ति, ब्रज प्रेम, और गोपियां जैसे कृष्ण को भक्ति की केवल भागवत का ही लक्ष्य है। इसलिए जैसे समुद्र मंथन से विष भी निकला अमृत भी निकला, लेकिन भगवान ने क्या किया, उन्होंने अमृत को देवताओं को तो पिला दिए और दैत्य को उन्होंने क्या किया, वंचित कर दिया। दैत्य को अमृत नहीं पिला है। उसी तरह ये भागवत अगर वैष्णव से सुनेंगे तो भागवत कथा से हमें मिलेगा क्या, अमृत मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, अमृत पान करोगे, हैं? इसलिए सुननी चाहिए केवल वैष्णव से, सब जगह से नहीं सुननी चाहिए। कहते कान रूपी दोना कहते हैं सब जगह में मत दिया करो, हैं? इसलिए कहते भागवत में विषय वस्तु क्या है, बोले भागवत में विषय वस्तु कोई साधारण बात नहीं। क्या विषय वस्तु है, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधो भर्गेण जाकल्पिता। भागवत में श्री भगवान कृष्ण की कथा है, श्री पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम महीना है ना, ये पुरुषोत्तम महीना अधिक महीना, इसमें श्री पुरुषोत्तम की कथा है, भगवान कृष्ण की, राधा की, ब्रज गोपियों की, ब्रजवासियों का, भगवान की प्यारी प्यारी मधुर मधुर कथा ये भागवत में। कहते उनको प्राप्ति का उपाय क्या है, बोले गोपियों ने जैसे भक्ति की हमें ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। यद्यपि भक्ति सभी ने किया है भगवान की भक्ति, लेकिन करने पर भी, लेकिन गोपियों की जो भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए कृष्ण सब जगह में एक प्रतिज्ञा करते करते आए, बोले क्या प्रतिज्ञा है, बोले जे जथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मतलब है मेरे को जो जैसे भजन करता है मैं उसको ठीक वैसे ही प्रेम देता हूँ। लेकिन जब रासलीला ठाकुर जी की, लेकिन जब गोपियों का प्रेम को देखा ठाकुर जी, बोले बाबा रे भैया इनके जैसे प्रेम दुनिया में कोई करने वाले नहीं। भाई बंधु पुत्र परिवार सबको उनने ठोकर दिया, सबके साथ सबको ठोकर दे करके एक अनिष्ठ केवल कृष्ण को उन्होंने प्रेम किया। इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वागतम मे महाभागा, हे महाभाग्यवती तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। बोले क्यों, बोले सबको तुम लोग ने छोड़ करके मेरे शरण में आए हो, इसलिए तुमको मैं स्वागत करता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा क्या है, भागवत कथा ये सर्वश्रेष्ठ कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा। इससे जैसे भागवत जैसे जगत में कोई पुराण है नहीं, हैं? इसलिए कल जो हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, कभी ये पद्म पुराण की ये महिमा है ये भागवत की कथा में, लेकिन इसकी जो महिमा और एक पुराण में जिसका नाम कहते हैं स्कंद पुराण, ये स्कंद पुराण में भी कृष्ण की बड़ी सुंदर भागवत कथा की ब्रज भक्ति की माइक दे दो, तो ब्रज भक्ति की कोई माइक है वहाँ पर, माइक वाला कहाँ गया,
हाँ उसको खोल कर देता हूँ। इसलिए कहते स्कंद पुराण में भी बड़ी सुंदर सुंदर भागवत की महिमा बताई गई। स्कंद पुराण में जो कथा है वो वृंदावन की कथा है, ये वृंदावन धाम की कथा है, ये ब्रजवासियों का कथा है। इसलिए आज हमारे श्री प्रभु जी जनार्दन प्रभु जी आपको सुनाएंगे ये स्कंद पुराण में कैसे भागवत की महिमा बताई गई। सीधे खड़े हो जाओ। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रार्थना करता हूँ उनकी वैसे गुरी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित सत्य गुरु भ्राता गुरु भग्नि समस्त भक्त वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम ठाकुर जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के श्रीमुख से हमने पद्म पुराण ग्रंथ श्री भागवत संबंधी जो हिमा गौ ने श्रवण किया इसके उपरांत कथा दी है कि इससे भागवत की महिमा दूसरे और कौन कौन से शास्त्र में लिखा गया है। जब हम कोई भी वस्तु को सेवन करते हैं उससे पहले हमें कथा की श्रवण से कोई भी वस्तु को सेवन करते हैं उससे पहले उस वस्तु की महिमा के बारे में पता चलना बहुत जरूरी है। अगर महिमा पता नहीं है तो फिर हम उस वस्तु को सेवन करने में व्याकुलता नहीं दिखाएंगे। जैसे दूध में बहुत ही रोगों बीमारियों की औषधि होती, अगर किसी को पता नहीं है तो फिर वो दूध को उतनी चाव से नहीं पिएगा। पर अगर हमें पता है कि दूध में इतने सारे बीमारियों की औषधि विद्यमान है तो निश्चित रूप से वो बड़े श्रद्धा से पिएगा। इसीलिए कथा श्रवण बाद में महिमा श्रवण पहले, महिमा को श्रवण करने के बाद कथा में रुचि होगी। इसीलिए कथा को हम अच्छे ढंग से सुनने के लिए क्या करते हैं, यह महिमा को श्रवण करते हैं। तो दूसरी महिमा जो हम स्कंद पुराण का महिमा है इसे ब्रजमंडल धाम में श्री उद्धव जी महाराज जी ने कृष्ण के 16308 पटरानी के समय से श्री बज्रनाथ जी को, जो कृष्ण के बेटे के बेटे के बेटे हैं श्री बज्रनाथ जी को, उन्होंने श्रवण करवाया। तो गिरिराज जी के तलहटी पर श्री कुसुम सरोवर के पीठ पे उद्धव कुंड में उद्धव जी इनको सुनाया था। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक समय वमासुर मुखा निकल करके जब 16 पटरानिया श्री वृंदावन में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वृंदावन के अंदर कोई भी वस्तु पेड़ कोई भी जीवित नहीं है। वृंदावन के सभी ब्रजवासी अपने धाम को पधार चुके हैं। ये यमुना महारानी है, यमुना जी बड़े प्रफुल्ल हैं। तो इसीलिए उससे पहले क्या होता है कि जब बद्रनाथ जी है कृष्ण के प्रपोत्र है, जब कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तब कृष्ण के जो प्रपोत्र है बद्रनाथ जी के आधिपत्य में श्री ब्रजमंडल आता है और वो राजा बन करके शासन करने लग जाते हैं। और उनके जो चाचा लगते हैं यादव वंश में श्री परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज जी इस हस्तिनापुर क्षेत्र के राजा बनते हैं। एक समय हस्तिनापुर से परीक्षित महाराज ब्रजमंडल में आए, बज्रनाथ को बोले कि बज्रनाथ सुखी तो हो, ठीक ठाक हो। बज्रनाथ जी बोलते मैं राजा हूँ परंतु राज शासन करने के लिए मेरे पास प्रजा नहीं है, सन्नाटे में कोई नहीं है यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे राजा कर रहा हूँ सुखी कैसे हो सकता हूँ मैं। तो बोले कहाँ चले गए सब ब्रजवासी, चलो पूछते हैं। तो उस समय जो कृष्ण के वंश के कृष्ण के कुल के जो कुल पुरोहित थे महर्षि सांडिल्य जी उनके पास आते हैं। वरण कुटीर में विराजमान यमुना के तट पर सांडिल्य महामुनि को दर्शन करके कृतकृत्य होते हैं। तब उन्होंने उनको प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले जाने के पश्चात ये ब्रजमंडल सब सुना क्यों हो गया, परंतु ये बड़ा रहस्य की बात हुआ। इसीलिए महर्षि सांडिल्य उनको कहते हैं अब तुम इस बात को दृढ़ता पूर्वक सुन,
इसीलिए हमारे यहाँ पे शिक्षा भी यही है कि जब हम कथा सुनने बैठते हैं जरा मन को हमें समझाना पड़ेगा क्या, कि पहले हमें मन को ये अनुकूल दिशा में लेकर के आएंगे, क्योंकि कथा एक ऐसा प्राकृतिक चीज है, ये इस उस धाम का है कथा। कल गुरु जी बता रहे थे कथा नहीं है, ये कृष्ण कथा के रूप में है। तो जैसे कृष्ण में मन नहीं लगता स्वतः, ऐसे उनकी दूसरे स्वरूप कथा स्वरूप में भी मन अपने आप में नहीं लगेगा, लगाना कैसे पड़े। इसलिए कहते हैं सुनंतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कृतम, सुनने से ही बारंबार सुनने से। परंतु हम अगर साथ में गुरु जी एक बार आते हैं तो एक बार आ जाते हैं कथा सुनने के लिए तो मन नहीं लगेगा, गुरु जी की मधुर वाणी भी हमें कड़वी जैसा लगेगा। कारण यही है कि हमारे कथा के प्रति नित्य संयोग नहीं। चांडिल मुनि कहते हैं सुनंतम दत्त चित्तों में रहस्य ब्रजभूमि जो इस ब्रज धाम की जो महिमा है ये बड़ा ही गूढ़ है, रहस्य है, कॉन्फिडेंशियल है, इसको सुनने के लिए तुम्हें दत्त चित्त होना चाहिए। सुनंतम दत्त चित्त, चित्त को दृढ़ करो, रहस्य व्यापनम ब्रजभूमि तो व्यापनात ब्रजोच्यते, कि ब्रज क्या है, चलती फिरती जो ब्रज है जहां पे कृष्ण ने अपने लीलाओं को चलते फिरते प्रकाशित किया यही ब्रज है। आगे कहते हैं कि ब्रज का स्वरूप कैसा है, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रजोच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदमव्ययम्। ये इस तीनों गुणों से संग रजतम गुणों से अतीत ब्रजा के उस पार वैकुंठ धाम के प्रारंभिक अवस्था से ही ये ब्रज धाम की शुरुआत हो। वैकुंठ धाम ये ऊपर के वैकुंठ लोक से भी ऊपर जो साकेत धाम है, मथुरा धाम है, हैं, और द्वारका से ऊपर उठकर की वृंदावन धाम है। तो ये वृंदावन धाम इतने आसानी से हमें स्तुति का विषय नहीं बनता। यदि कृष्ण को अगर हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हृदय के अंदर वो प्रेम लाना पड़ेगा। वो प्रेम कहाँ से आएगा, वो प्रेम कैसे, कहते हैं ये विषय ही है प्रेमाप्ते ही अधिभूयते, प्रेम से ही अनुभूति होती है। नहीं तो भगवान की लीला बहुत मधुर है, भगवान की एक एक लीला देखो कैसा मधुर है, एकदम मक्खन चूरी लीला देखो। भगवान जब छोटे थे, कन्हैया भगवान जब छोटे छोटे थे तो थोड़े बड़े होने पर जब पहिया घुटने के बल दहरीज को पार कर पहिया पहिया चलने लग गए तो छोटे छोटे ब्रजवासी हुआ करते थे, छोटे छोटे ब्रजवासी। तो कन्हैया भगवान जो बोले थोड़े थोड़े से खेल किया करते थे, अब उनके मन में आता है आज कुछ नया खेल खेलते हैं, ब्रजवासी आओ नया खेल खेले। बोले बताओ कौन सा नया खेल खेले, बोले चोरी चोरी खेलते हैं। कौन बोल रहे, ठाकुर जी क्या खेलेंगे, चोरी चोरी बोले दारी की चोरी करो वो सिखाए वो हमें। बोले देखो तेरे घर में कोई अभाव तो ना है तो क्यों चोरी करता है, बोले देखो मेरे घर में तो अभाव नहीं है पर ये जरा श्रीधाम मधुमंगल को देखो कैसे टेढ़े टिको हो रहे, इनके सकल पे कैसे बारह बज रहे देख रहे, तो इसीलिए हम चोरी चोरी खेलेंगे। बोले भैया को पता चलोगे तो बहुत पिटाई करेगी, इनकी छठी की दूध याद आ जाएगा। बोले कि अच्छा ठीक है मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है पर देखो जब बच्चे चोरी चोरी में भी आनंद आता है, इसलिए इस आनंद को पहले लेंगे और बाद में अगर कुछ मिलता है तो अपना खाएंगे भी। बोले देखो घर में तो सब कुछ होता है पर ये मैया सब जाकर के मथुरा में बेची आवे, कन्या कहते हैं बड़ा गलत बात है, तो भाई गैया की सेवा कर बे ताई हम ग्वाला और गोरस भावे के मथुरा के लाला है, मथुरा के लाला ये अपने आप गोरस खा जावे और हम जो है गोवों की सेवा करेंगे सब कुछ करेंगे और खाने वाले ये हैं, नहीं ये तो गलत बात है। तो चलो ठीक है, तो सर्व सम्मति से मंडलाध्यक्ष जो कन्हैया जी है उनको अध्यक्ष बना दिया गया और प्रारंभ किए चोरी चोरी खेलना। अब ठाकुर जी कहते हैं कि अपने घर में ही पहले थोड़े थोड़े से अभ्यास कर ली जाए, हाथ साफ कर ली जाए। तो सब ने गए और अपने घर में थोड़े थोड़े से नेकने का अभ्यास करने लगे। अगले दिन मीटिंग भाई कहा भाई हो, और ठाकुर जी कहते हैं बताओ क्या समाचार है, तो कछु सफल भए कछु विफल भए कछु पकड़े गए
कछु कछु पिट के भी आए, तो धीरे 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 सब अपना अपना एक्सपीरियंस जो है सबको बताने लगे। एक ने तो बोले कि भैया ये चोरी तो बिल्कुल कभी ना करो। जब मैया को पता चला और मैया ने ऐसी पिटाई करी कि हालत बिगड़ गई, भाई अब चोरी नहीं करी। बोले दारी की पहली बार चोरी की है, जब चोरी के नाम ही ना लेना, हमारी अवतार तो चोरी के लिए ही हुआ है। और ये जो पुरुषोत्तम महिमा है, ये वल्लभ आचार्य जी बहुत सुंदर भजन लिखा है, चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा पुरुषोत्तम जो सबके सब कुछ को चोरी कर देते हैं, संसार से जब एक व्यक्ति भजन करने लगता है, संसार से मन उसका हटने लगता है, वो चोरी है, भगवान उसके सब कुछ चोरी कर देते हैं। अब भैया मेरे से कोई कुछ ले गया, मुझे तो अल्टीमेटली उसके शरण में जाना पड़ेगा ना। जब कृष्ण की भजन करते हैं, कृष्ण जब सब कुछ ले जाते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? उसी की ही भजन करना पड़ेगा, तभी तो हमें कुछ मिलेगा। और ठाकुर जी कहते हैं चलो, धीरे धीरे चोरी प्रारंभ हुआ, परंतु कभी कभार ठाकुर जी जाते हैं, कभी कभार नहीं भी जाते हैं। परंतु इतने में जब ब्रज मामाओं की धीरे धीरे मन चंचल होने लगा, कन्हैया जब उनके घर में चोरी करने लगे, कभी कभी कभार तो ठाकुर जी आते हैं, कभी कभार नहीं आते। जिस जिस दिन नहीं आते हैं तो ब्रजवासी कहते हैं कि आज सुबह से सांझ हो गया, कन्हैया की एक चोरी को ना मिली। तो कहा करें चलो नंद भवन में जाएंगे, वहां शिकायत कर आएंगे और साथ ही साथ कन्हैया के दर्शन भी करेंगे। चलो सब इकट्ठी अरे ओ यशोदा, और यशोदा नाम सुनते ही भागे भागे आ गए और कहते कि अरे इस सब इकट्ठी झुंड के झुंड तुम लोग सब क्यों भेजो, अरे तेरे बिलवा में ना आए हम, तेरे छोरों की करामा सुनाने आए। निकाल अपने छोरा, गाँव की पीठ पीछे चुगली नहीं करते, निकाल अपने छोरों को, उसके मुंह पे ही हम कहवे वाली है। बस चोरी के नाम सुनते ही ठाकुर जी आ गए, आप देखने लगे अरे सब शिकायत करने के लिए आए, तो थोड़ा सा शर्मा। और भाई ऐसे भोली सूरज बनाए कि मैया को ही दया आ गया। मैया कहती है अपने से बोर बार छोड़ा है, वे कहा घर में कहा तक कर सके, आप बताओ। ठाकुर जी की तो ठाकुर जी मुंह फुलाए देते, गाल उठाए देते, ऐसा भोली से सूरज बनाए, आप बताओ क्या ऐसा किया है। तो एक एक करके सारे गोपी अपने अपने शिकायत कर, बस छात्र मुंचन क्वचित समय गुरु तो समझा, कहते मैया ये तेरे लाला असमय में बछड़ा खोल करके भगे। अरे मैया को धोने के समय हो गए होगी तो इसने बछड़ा खोल दिया होगा। बोले अरे नहीं नहीं क्वचित असमय, जब कोई धोवे को समय ही ना है तब बछड़ा खोल के भगे, बता बता। तो एक ने बता दी कि अच्छा ठीक है, चोरी करता है ये तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बच्चों को परेशान सा करता है, तो इसके लिए इलाज तुम इसको खुवाई दिया करो, और नहीं तो तुम इसको कहीं पीछे छिके पे लटका दिए करो। बोले भैया एक दिन हमने इसको मक्खन मिश्री परोस दिए और बोले कि खा ले, तो मेरे को आंख दिखा के कहता है कि तेरे का मेरे को मुझको दिगमगा समझ रहा है, अब बता बता। तो ऐसे ऐसे करामत करे पर उसके दे तो बड़े बाप को बेटा बन जाए, और अगर चोरी 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 करके खाता है तो कहने पे मुंह पे कह देता है क्यों करता है। तो यशोदा जी को कन्हैया कहते हैं मैया चोरी के माह में स्वाद ही कुछ और है, जब चोरी करते हैं तो स्वाद आता है उसमें, इसलिए हम चोरी करके खाते हैं। ठाकुर जी सारे जितने भी उस कमेटी के जो जितने भी मेंबर हैं ना सारे चोर, वो भी सब ठाकुर जी के पीछे पीछे सरदार जी के पीछे पीछे चलके ये सब काम करते हैं। ब्रजमंडल में मक्खन चोर के नाम से नंद गोस्वामी प्रसिद्ध है। बोले चल ये काम कर, तू ऊंचे लटको छीके लटका लियो, हाथ ना पहुंचेगो तो कैसे फैलेगो। बोले अरे रंधे मियां हमने वो भी करके देख लियो, यानी मंडली पार रखी पूरी की पूरी, तगड़ों से छोरों को घोड़ा बनाए उसके ऊपर चढ़ करके, यानी सुई मटके हमें हाथ में लग जा और मक्खन खा करके भग जावे, तो कुछ हो नहीं सकता इसका।
बोले चल ठीक है एक काम करियो, मेरे बेटे को अंधेरे में हवा से बड़ा डर है। मैंने जसोदा तेरे बेटा ही कुछ ब्रजमंडल में हवा बने घूमे, ये कहो हवा से ना डरे। एक दिन की बात है, इसने मेरे मुंह पे बिंदी सुसु, जैसे ही एक बताने लगे उसके पीछे तो चार पांच गोपियां थी, उन्होंने सारे सुर पे ताल से ताल मिलाने लग गए। बोले एक ने बोली कि देख भैया मैं बड़े गरीब घराने की गोपी हूँ, मेरे घर में कुछ ना है ना गोरस ना कुछ है, बस दाल रोटी की गुजार जैसे तैसे चल जा। याने के एक दिन कहा कि ओ याने पूरी सुबह से साथ है मेरे घर में, कोना कोना छान मारो पर या के हाथ में कसोना लगो, जब या के हाथ में कसोना लगो तो सभी आग भी लगी। तो याने कहा कि ओ खड़े खड़े मेरे घर में तो मतलब खड़े हो करके जम के गाली दे, बड़बड़ा ये घर है कि मरघटा, सुबह से सांझ होने को आ गई तो ना कौन को शकल देख नहीं थी, है रोटी की सब्जी कोई मक्खन मिश्री कुछ ना भी नहीं। तो जब इसको गुस्सा भी आई तो यानी क्या कि वो वहाँ पे अंधेरे कमरे में मेरी छोड़ी सो रही थी, उसकी चोटी बड़ी लंबी है। तो यानी क्या कि वो अंधेरे दबे पामन मेरे छोरी के पास गए हो और उसकी चिटिया को पकड़ करके चिटिया की पटिया से बांध दी और कान में आराम से जा करके हवा यूं डरा गया था। हवा के नाम के तो बाकी चिट्ठी भूल गई उसने, अरे हवा पकड़ लियो मैया पकड़ ले मेरे को हवा पकड़ लियो। और जैसे मैंने हवा के नाम से नहीं रही भगवान कौन हवा घुसायो मेरे ऊपर, और जैसे मैंने गयो जब मैं आई तो देखे तो नंदो को छोरा अपने सारी काली बनवा की कर दू मैं, और जैसे अंदर आई बाकी चुटिया की चटिया की पटिया से उसकी चुटिया बोली, और फिर मैंने बोले कि ये सब कलमा की करते करते है तो बाकी जान तो ये ऐसे ऐसे काम कर दो प्रभावती के साथ लड़ो झगड़ो। तो ये सब आनंद में लीला जो है ये भगवान की कैसे अनुभूत हो सकता है, प्रेमा प्रेमा जन छुरीता हो सकती विलोचने न संत सदैव हृदय ये सुबिलती। ये जितने संत हैं ये रसिक संत ये भगवान की लीलाओं को किस प्रकार अनुभव करते थे। तो आगे सांकेत ऋषि कहते हैं कि भगवान की लीला जो है ये धराधाम में जो भगवान में लीला किया है और गोलोक वृंदावन में जो लीला है दो प्रकार की लीला है। वास्तविक तस्व संवेद्या जीवानं व्यवहारिकि अध्यापेन द्वितीयानं द्वितीयतः न तदापचे। कहते हैं वास्तविक व्यवहार की दो लीला नित्य और नैमित्तिक लीला, जरा इसको अच्छे से समझना, मठ से जुड़े हुए हो भगवान की लीला पता होनी चाहिए कितने प्रकार की, नित्य नैमित्तिक लीला की है वास्तविक व्यवहारिक लीला क्या होता है। देखो जैसे मान लो एक अंदर अंधेरे कमरे के अंदर कोई बहुत बड़ा वस्तु है, हम गए परंतु उस वस्तु के संस्पर्श में नहीं आए और वापस लौट के आ गए तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, कमरा खाली है। क्या कमरा खाली था, अंधकार होने के कारण हमें तो दिखा नहीं, पर अगर उसमें लाइट जला दो तो क्या हो जाता, दिख जाता है ना। भगवान की लीला आज की सेवा समझ में चल रहा है, आज भी उस वृंदावन वही अप्राकृत वृंदावन है परंतु तो हम जैसे मंदिरों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए वो प्रेम रूपी लाइट जलानी पड़ेगी। इसी के लिए सारे भजन साधन जीवन में सारे साध्य साधन इसी के लिए किया जाता है, तो मंगल आरती से लेकर रात को शयन आरती तक ये सब कुछ क्या है इसी के लिए। इसीलिए उस लीला को जो जीव है शास्त्रों के माध्यम से जो लीला विराज धारण लीला माखन जो भी लीला दामोदर बंधन लीला ये सब कुछ क्या है, जीवों को सुना सुना करके जब कहा जाता है इसको व्यवहारिक लीला। वास्तविक लीला क्या है, वही लीला जब सामने प्रकट अवस्था में होता है गुरु महाराज के हृदय में जब वो होता है तब उसको देखते वही उन्हीं के लिए क्या है वास्तविक लीला है। और हमारे लिए शास्त्र को पढ़ करके जो लीला सुनते हैं वही लीला जो शास्त्र में आ जाता है उसको पढ़ के हम उस लीला में प्रवेश करते हैं। मन में तो चिंता करता ना कैसे भगवान ने गिरिराज धारण किए होंगे, कैसे सातों दिन तक राधा रानी उनके सम्मुख खड़े होकर के उनकी आनंद आनंद किए होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब पढ़ते हैं हम इसी को ही क्या कहते हैं
व्यवहार की लीला। और देखना, अगर वास्तव लीला एक महल है तो व्यवहार की लीला उसका दरवाजा है। जैसे बिना दरवाजे के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, इसी प्रकार इन शास्त्रों को अध्ययन किए बिना, अनुसरण किए बिना, श्रवण किए बिना कभी उस धाम में, उस वृंदावन धाम में कभी उनको लीलाओं को श्रवण या नहीं कर सकता, देखा नहीं जा सकता। चांडी जोगनी आगे कहते हैं, प्रजाधाम तो शरीर है, शरीर में आत्मा रहे तभी तो उसको शरीर कहा जाए। तो आत्मा कौन है? आत्मा तो राधिका तस्य दैव रमणा दसो आत्मा राम त्रय प्रज्ञम उच्चत गुण देह देवी। बड़ी गुण रहते हैं, पर जितने भी स्थित प्रज्ञ मनुष्यां हैं वे सब इसको बड़ा रहस्यमय तो बताते, परंतु वही जानते हैं कि इस वृंदावन धाम अगर भगवान स्वरूप है, पंच योजनम विस्तृतम देह में प्रति परम में देह रूपकम, कि ये बन जो वृंदावन जा रहे है ये मेरा शरीर है, अपना शरीर। आप वृंदावन धाम में जाते हो पहले भी प्रणाम करते हो प्रभु, धाम धाम स्वरूप भगवान आप जो है, आप वही वाक्य बिहारी वही धाम के रूप में है, क्योंकि आप जो धारण करने वाले गुरु वस्तु कौन हो सकते, केवल आप ही हो सकते हैं। इसीलिए आपके ऊपर हम पैर रखें, हे राधा रानी आपके गोद में हम पैर रखें, इससे पहले कि आप हमारी अपराध ना दो, इस प्रकार करुणा की प्रार्थना हम करते हैं भगवान से। इसीलिए जब कभी भी धाम में जाओ, उस धाम के अंदर कहीं भी अगर आपको कोई कमी दिखे, कभी भी नहीं, क्या आपको ठाकुर जी में अगर कहीं खंडित है क्या उसमें कमी दिखती है? नहीं देखना चाहिए, अगर देखता है तो इस प्रकार से अगर शरीर का भगवान है तो आत्मा कौन है? आत्मा तो राधिका तत्व है, कृष्ण की आत्मा राधा रानी है। इसीलिए जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानी लोग जो भगवान के चित स्वरूप का अनुसरण करते हैं, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब जमाटे दर थप्पड़ मार के उनको जवाब है सुखदेव गोस्वामी का, सुध गोस्वामी का, जो कि पद्म पुराण में स्कंद पुराण में कहते हैं उनका आत्मा कौन है? राधा जी है। और जैसे आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे वो चिदनुशीलन ज्ञान भी सब कुछ नष्ट है भक्ति के बिना, जो भक्ति अनुकूला है श्री राधा रानी का। इसलिए राधा रानी की राधिका। और ये जितने भी गोप गोपी, जितने भी गोपियां हैं, जितने भी महिषियां हैं, जितने काली चंडी दुर्गा इत्यादि हैं, तस्य मनसांस सर्वे सदा श्री कृष्ण नायिका नित्य संभोग एवास्ति सदा नित्य योगिता। इस सब भगवान के साथ सदा श्री कृष्ण नायिका, कृष्ण की नायिका के रूप में वर्ण के आगे चल करके कहते हैं, अगर ये धाम को हमें देखना है तो इस प्रकार ये जो अभी पुराण की महिमा अभी श्रवण करने आ रहे हैं, ये तो अभी भूमिका थी। जब भौमासुर की गुफा से 16,100 बटरानियां निकल कर यमुना जी को देखा कि सभी तो ब्रज में विरह अवस्था में है, परंतु अकेले कालिंदी ये जो यमुना जी हैं ये बड़ी उछल रही है, भगवान चले गए परंतु इनको कोई टेंशन ही नहीं, कोई विरह ही नहीं है। तो उनको पूछते हैं, यमुने क्या कारण है जो आप भगवान जाने के बाद भी इतने प्रसन्न है? तो यमुना जी कहते हैं कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य राधा जी के नित्य दासी तस्य दास्य प्रभावेण, उनके दास सरस्वती प्रभाव से ही विरह अस्मान संस्कृत, हमें विरह स्पर्श नहीं करता। तो इस प्रकार जब यमुना जी बोले कि तुम लोग भी उनके नित्य संभोग कर सकते हो, कैसे? उनकी कथा के माध्यम से। तो कहाँ कर सुनेंगे कथा, जाओ ऐसे रसिक संत बद्रिकाश्रम में जब भगवान जा रहे थे तो उद्धव जी के बद्रिकाश्रम से तो तपस्या कर रहे, और दूसरा स्वरूप का ब्रजमंडल धाम में उद्धव हुए हुए लता की गुण लता औषधि के रूप में, क्योंकि उन्होंने वही प्रार्थना की थी, भगवान ने उनको ब्रजमंडल में स्थान दिया है। जाओ वहीं पे कीर्तन करो, वहीं पे प्रकट होंगे तो आपको कथा सुनाएंगे, सारे महिषियां भागे भागे 16,100 बटरानियां वहीं पे पहुंचे, और वहां पे गोवर्धन गिरी निकट सखी स्थले तदराज सदरज काम रूपेण उधवे नम, ऐसे उद्धव जी जो वहां पे कीर्तन हुआ, कीर्तन से ही गुंजा माला धरण गाय बल्लभी बल्लभं हो, कि जब गुंजा माला को पकड़ करके उद्धव जी को कीर्तन के माध्यम से प्रकट हुए, सबने जय जयकार लगाए कि उद्धव जी बड़े संत जो रसिक संत हैं कृष्ण के, जैसे दिखते हैं कृष्ण के सखा भी हैं, भाई भी हैं, महामंत्री भी हैं, तो उनसे बढ़िया कथा हमें कौन सुना सकता है। और यहाँ पे देखो कथा की महिमा है कि
कीर्तन की क्या महिमा है, कीर्तन करने से भगवान भी आते हैं और कीर्तन करने से भक्तों को भी प्रकट किया जा सकता है। अगर मान लो बड़े तुम्हें कोई भक्त नहीं है, बड़े दिन से मन अशांत है, परेशान है, हृदय से प्रार्थना करो, क्योंकि संगत तो एक ही है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, कहते हैं कि निर्जन है, कब वो मेरा ऐसी स्थिति होगी कि कब मैं निर्जन में बैठ कर, निर्जन मतलब भक्तों के संग में बैठ करके हरे कृष्ण बलि गाई फैलाए थे, कब हरे कृष्ण बोलते ही मेरे आंखें भीग जाएंगे, कब होगा जब निर्जन में बैठेंगे, और वो निर्जन क्या है, भक्तों का संग है। तो ये भक्तों के लिए हम निष्कपट रूप से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना किया उन्होंने तो इतने में उद्धव जी प्रकट हुए और उद्धव जी बड़े चाव से कथा सुनाए। परीक्षित महाराज जी को बोले, परीक्षित तुम तो अभी चले जाओ, क्योंकि यही आगे चल करके तुम्हें सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी आएंगे, जो कि पद्म पुराण का महिमा में हमने सुना, प्रस्तारित भागवत के जो बारह स्कंद है, ये सब कुछ परीक्षित महाराज को सुनाया गया। परंतु उससे पहले, वो तो सात दिन की कथा थी, पर उससे पहले उद्धव जी ने एक महीने का कथा सबको सुना करके सबके उद्धार करके वैकुंठ धाम को ले चले। उससे पहले बजरनाथ जी को और 16,000 पटरानियों को उन्होंने कथा सुनाई। कथा के महिमा में कहते हैं कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते तदा कीर्तिते सूर्यते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम्। देखो कहते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, जहाँ पे भगवान की कथा होती है, यत्र भागवते तदा कीर्तिते सूर्यते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम्। निश्चितार्थ का बोधक शब्द यहाँ पे प्रयोग करने का यही प्रयोजन है कि वहां पे भगवान आते हैं, रहते हैं, और इस बात को कंफर्मेशन दे रहे हैं एक भक्त, श्रेष्ठ भक्त। और यहाँ पे वो सामने आपका श्लोक लिखा हुआ है, वहां पे भगवान भी इस बात को क्या कर रहे हैं, थप्पा लगा, मोहर लगा रहे हैं। नारद जी को कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, कोई कहता है मेरा ठिकाना योगियों के हृदय में, कोई कहता है वैकुंठ में, नहीं नहीं, मद्भक्त यत्र गायन्ति, यही कथा जहाँ पे गुरु जी कथा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, भले ही हमें पता नहीं चल रहा है, हवा भी तो नहीं दिख रहा है, क्या कोई मना कर सकता है हवा नहीं आ रही है, नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता, तो सभी को पता है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारी अनुभूति की विषय की परे है, इसलिए हमें लग नहीं रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भगवान नहीं है। वो आगे उद्धव जी कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा भगवान, न यत्र यज्ञ मखा महोत्सव सुरेश आदि लोगों के वही सभ्यता, कि वैष्णव जनों के लिए अगर स्वर्ग लोक में भी मिल जाए, स्वर्ग लोक में मिल जाए, अगर वहां पे कथा की कोई भूल भी नहीं है, अगर वहां पे कोई भी भगवान की यज्ञ नहीं है, मखा महोत्सव नहीं है, भगवान को लेकर कोई महोत्सव आदि नहीं होता है, हैं, कोई नाच गाना नहीं होता है, भगवान को नृत्य गीत ही तो पसंद है, भगवान के सामने गाओ, नाचो, गायति मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ, जो मेरे नाम को गा करके मेरे सन्निधि में नृत्य करते हैं। नाहं त्यच्छामि जनार्दन, भगवान उसको कभी भी नहीं त्याग करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, कथा सुन करके खुश होते हैं, नाचते हैं और उनकी कीर्तन को गाते हैं। तो यही कहते हैं सुरेश लोगों की वही सभ्यता, अगर वैष्णव जन वहां चले भी जाए, अगर ये सब चीजें नहीं है तो वहां पे भी वे रहना नहीं चाहते, बेशक नरक में भी अगर कहीं पे भगवान की कथा कीर्तन हो रहा हो, वही उनके लिए परम स्वर्ग स्थान है। तो इस प्रकार उन्होंने आगे चल करके भागवत महिमा को बताया कि जो भागवत को श्रवण करता है, कुलपति पितृ मातृ से भार्य से कुलपति सुतारिता गंगा तत्र नर्मदे सिंधु कावेरी तत्र, सारे जितने भी कथा होती है, सारे पवित्र नद नदियां कृष्ण गण सब कुछ वही आ जाते हैं। तो बहुत बहुत भूरी भूरी यहाँ पे स्कंद पुराण में उद्धव जी ने महिमा सुनाई। कथा सुनने के अधिकारी भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार चातक हंस मीन ये कथा श्रवण करने की प्रवर श्रोता होते हैं। जैसे चातक एक पक्षी होता है, वो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, उसके नीचे अगर गंगा जी है, वो पूरा प्यासा हूं, गला सूख रहा है, मर जाऊंगा, बारिश भी होगा, वो बारिश की पानी नहीं पिएगा, नीचे गंगा जी है, गंगा के भी पानी नहीं पिएगा, केवल स्वाति नक्षत्र का जल से ही उसको संतुष्ट किया जाएगा। और ये बोलते बोलते उसका मरने के समय आता है, वो गिर भी जाता है, इतने दिन तक खुला रखा हुआ था चातक,
गिरते समय उसको पता है कि गंगा का पानी मेरे मुंह पे चला जाएगा, इसलिए वो बंद कर देता है मरते समय। अपने बच्चों को बोल के जाता है पिंड भी देना है तो स्वाति नक्षत्र में ही देना। ऐसे संत अगर कोई होंगे तो वो केवल इसी भागवत के अंदर ही डूबे रहेंगे। अगर पीना है तो केवल इसी वार्ता को ही पीना है। चातक प्रवर चातक हंस, हंस जैसे खीर और नीर के विवेक कर देता है, जैसे दूध में से पानी निकल करके अलग कर देता है, दूध दूध को पी लेता है। ऐसे ही इस शास्त्र में भी कई प्रकार की कंस के चरित्र है, दुर्योधन के चरित्र आते हैं, परंतु जो व्यक्ति को, जो व्यक्ति इन सब चीजों से मन ना लगा करके केवल भगवान की इन उन लीलाओं रसास्वादन मई लीलाओं को जो श्रवण करता है, वास्तव में वो हंस कोटि के श्रोता है। प्रवराज चातक हंस सूख, सूख जैसे तोता है पक्षी मीठे फल में ही चोंच मारता है, ठीक इस प्रकार की इस मीठे फल रूपी भागवत आलयन को श्रोता जो हंस सुख पक्षी कोटि के होंगे वो इस भागवत शास्त्र में अपना मुंह मारे। और इस भागवत शास्त्र को मुंह मारे भक्त जो है सुख शास्त्र कथा भक्त वो भी तोता है, कौन है सुख पक्षी के प्रिया सुख श्री भानु जाय पवित्र चंच प्रिया चुप प्रिया की प्रिया जो तोता है उन्होंने इस भागवत में चोंच मारे। ऐसे सांड बेर की तरह ये कई अवर कोटि के भी श्रोता है, जैसे सांड सब कुछ चल जाते कुछ भी नहीं देखते, इसमें ज्ञान की भी बात आती है, इसमें गुरु जी भी कह रहे थे ना इसमें जहर भी क्या है क्या, कहते हाँ इसमें जहर भी है। कैवल्य नरक आए थे, ऐसे नरक में ले जाने वाला कैवल्य के प्रसंग पे भी यहाँ पे आता है। वो जड़ भरत महाराज चतुर्सेन और सुखदेव गोस्वामी के जब पहले भी ज्ञानी अवस्था में हुआ करते थे तो लोग पहले सोचे अच्छा वो पहले ज्ञानी हुआ करते थे तो हम ज्ञान के अनुसरण करें, कहते नहीं वास्तव में भागवत ये वार्ता नहीं देते हैं, आपको करना क्या है केवल भगवान की माधुरी में लीला का स्वादन करना। जो श्रोता इसमें प्रबल होगा वो प्रबल, और जो श्रोता इसमें लय विच्छेद आदि को आदि संस्कृत देगा वो अवर श्रोता होगा। इसी प्रकार कथा भी चार प्रकार के है, सात्विक तामसिक राजसिक और निर्गुण कथा। सात्विक था जो कि कथा में पहले तामसिक कथा जिस कथा में हमारा मन नहीं लगता, कथा हुई बस हो गए, या कथा में विक्षेप ज्यादा है मन भी छूत रहता है, इधर उधर से बातें करना, कभी तो पैर को इधर करना, कभी एक्सरसाइज मारना, कभी ये सब क्या है, ये सब लय विक्षेप के अंदर आता है, तो इसको तामसिक कथा के अंतर्गत किया गया। उसके ऊपर है राजसिक कथा जिसमें आडंबर तो कम कर देते हैं, कथा के प्रति श्रद्धा कम रहता है पर ज्यादा नहीं कम। और सात्विक कथा है जिसमें कोई किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, केवल मन में कथा सुनना। और तीसरा है, चौथा है निर्गुण कथा, केवल भगवत कृति उद्देश्य से जो कथा सुना जाए, भगवान की सेवा के लिए जो कथा सुनी जाए, गुरु के प्रसन्नता के लिए जो कथा सुनी जाए, ये कथा महीने क्या सालों की युग क्या कल्प क्या नित्य निरंतर रसिक भाव इस कथा को श्रवण करते हैं और इसमें मदहोश रहते हैं, थोड़ी देर के लिए चेतना खुलती है तो फिर पीते हैं और दोबारा इसमें सो जाते हैं। बोले कथा अमृतम की भागवत कथा अमृतम की जय। बस वृंदावन हरी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, आरंभ कर जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन वास कर साग पात नित खात, तिनके भावन कून रख ब्रह्मादिक ललचात, तिनके ब्रह्मादिक ललचात। एक भक्त की प्रार्थना निवेदन, संसार में सब कुछ देखा कहीं कुछ नहीं मिला,
तो ब्रह्म रानी ब्रह्म बिहारी से प्रार्थना कर रहा है कि कैसे भी मेरा ब्रजवास हो जाए। जय जय श्री राम। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंदी बाले ब्रजराज ब्रज बिहारी अपना
Yeah.
धर्मादस्य जतुर्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हृदायो आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयो तेजो बरिमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गमृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमा धीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, प्रणाम किसको करते हैं, बोले सत्यं परम धीमहि। कदि ये परम सत्य को ध्यान करते हैं, बोले क्यों, बोले सत्यमेव जयते। जगत में किसका जय है, सत्य का ही जय है। इसलिए पांडव और कुरुवंश में लड़ाई हुई, लेकिन पांडव का तो 7 अखौनी सैन्य था, लेकिन कुरुपक्ष में 11 अखौनी। जहाँ पर पितामह भीष्म जिनके इच्छा मृत्यु है, जहाँ पर स्वयं कर्ण और जहाँ पर श्री द्रोणाचार्य हैं, जिनकी सामने कोई टिक नहीं सकते हैं, लेकिन जय हुई तो किसके दूरी है, कहते पांडवों को जय हुई। बोले कारण किया, कहते उनको पक्ष में ये सत्य ही था। इसलिए जय जगत में किसका होगा, जिसकी सत्य जिसको पास में हो उसका ही जय होता है। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने परम सत्य को उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है, जगत में वो परम सत्य है कौन, कहते जन्मादस्य जतः। बोले जिनसे ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, बोले किससे ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, कहते भगवान श्री कृष्ण चंद्र से। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर कीर्तन लिखते हैं, बोले तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुमार त्रिजन सचार नहीं। इसमें कहते बोले ठाकुर जी, बोले कृष्ण की इच्छा से ही ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, इनकी इच्छा से ही शंकर जी संहार करते हैं, और इनकी इच्छा से ही विष्णु जगत को पालन करते हैं, और इनकी आदेश पर माया ये संसार का कारागार बनाया है। इसलिए तब इच्छा मते, बोले उनकी इच्छा पर सब कुछ होता है। ये कौन है, श्री बांके बिहारी है। बोले जिनकी माया ऐसे है, बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। हम लोग आगे जा करके सुनेंगे, जो पितामह ब्रह्मा ब्रह्मा एव सर्वभीति भवति, जो सब कुछ जानने वाले भगवान की माया में वो स्वयं मोहित हो गए, और कृष्ण के बछड़े सखाओं को चुराया। जब उनकी बात पता चला, ये कृष्ण कोई ग्वाला नहीं, ये मेरे पिताजी की पिताजी की, ये मेरे पिताजी, फिर तो ब्रह्मा जी खूब नाक रगड़ी भगवान की चरण में। फिर कहते स्वयं इंद्र, वो भी स्वयं मोहित हो गए, हैं स्वयं मोहित हो गए। उन्होंने भी कोशिश किया ब्रज को तसनस करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, वाम अंग वाम हाथ और कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। कहते और एक समय कृष्ण अपना पटरानियों के साथ में बैठे हुए थे, इतने में नारद जी, ये तो बड़े कौतुकी है, वो स्वर्ग गए थे, एक पारिजात पुष्प लेकर के आए, कृष्ण को हाथ में पकड़वाया। बोले कन्हैया ये रानियों में सबसे जिसको ज़्यादा प्रेम करते उसको दे दो। कृष्ण ने देखा ये कहाँ से आ गई लड़ाई लगाने के लिए, क्योंकि मैं कृष्ण जिस रानी को पास में होते हैं ना, कहते तेरे को मैं जितना प्रेम करता हूँ और किसी को इतना प्रेम नहीं करता हूँ, अभी तो सारे पोल पट खोल जाएगी, अभी मैं क्या करूँ।
नारद जी बोले प्रभु जल्दी करो, मेरे समय नहीं, जल्दी जिसको प्रेम करते हो तो। कृष्ण इधर उधर देखा, लेकिन कृष्ण की जो पहला शादी रुक्मिणी से हुई, रुक्मिणी पास में बैठी हुई थी, उन्होंने फूल उसके पकड़ा दिया, लेकिन वहां पर सत्यभामा थी। बोले ये सत्यभामा कौन है? बोले राधा जी के अंश से आई है, ये राधा जी के अंश से। अभी सत्यभामा इतने बिगड़ गई, बोले मेरे भरी सभा में नाक कान कटवा दिए, और मेरे को कहते हो तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ और किसी को नहीं, आज तो पूरा प्रमाणित तो हो गया कि इसको आप ज्यादा प्रेम करते हो। वो तो प्यार पटकती हुई चली गई, मान भवन में लेट गई। कृष्ण ने देखा कहाँ से ये नारद जी आए और घर में बिना कारण के लड़ाई लगा दी। और कृष्ण गए सत्यभामा पर, हाथ रखते ना हाथ को फेंक दी, बोले आप ऊपर जैसे काले अंदर में भी कम काला नहीं है। आप कहते हो तेरे को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, आज तक भरी सभा में पता चला गया। कृष्ण ने कहा तू एक फूल के लिए इतना बिगड़ गई, उसको तो मैंने एक फूल दिया, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ला करके तेरे को घर को सामने बो दूंगा। बोले ज्यादा झूठ मत कहा करो, बहुत हो गया, मैं बहुत देख लिया, जिसने एक फूल नहीं दे सका वो कहां स्वर्ग से वृक्ष उखाड़ करके ले आए। बोले चलो। अभी कृष्ण गरुड़ जी को पीठ पर बैठे, सत्यभामा को पीछे बैठाया और सीधा कहाँ चले गए स्वर्ग में। इंद्र को बोले मेरी पत्नी घुसा की है, मान की है, एक पारिजात वृक्ष दे दो। इंद्र बोले क्या पारिजात वृक्ष, स्वर्ग का इतना महिमा क्यों? बोले ये पारिजात वृक्ष के लिए, अगर यहाँ से चला गया मरते जगत में ये स्वर्ग की महिमा क्या रह जाएगा। लेकिन उन्होंने देना नहीं चाहे, लेकिन वहां पर कृष्ण अपना पराक्रम दिखाया। जितने देवता थे 33 करोड़ देवता, सबके सब कृष्ण विरोध में लड़ पड़े। भगवान ने सारंग धनुष उठाए और सुदर्शन चक्र से सबको उन्होंने परास्त करके देखते देखते उन्होंने वृक्ष को उखाड़ करके लाए और श्री सत्यभामा के घर को सामने लगा दी। ए सत्यभामा तो खुश हो गए, फिर सब रानी को बुलाया, बोले मेरे घर में निमंत्रण में आओ। बोले क्यों? बोले तुम लोग ये सोच रहे हो कृष्ण रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, देखो रुक्मिणी तो कोई एक फूल दिया था और मेरे लिए वृक्षल प्रभु ला करके वो दिया। इसलिए यहाँ कहते हैं मुह्यन्ति जत सुरयो, जिनकी माया ऐसे है, बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए दैवी जैसा गुणमयी मम माया, भगवान की माया को पार पना बड़ा कठिन है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, इसलिए कहते ऐसे जो परम सत्य भगवान हैं, हम सबके सब उनको चरण में प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारे रस्सी के टीकाकार लोग कहते हैं क्या यहाँ पर केवल उन्होंने कृष्ण को ही प्रणाम किया ना, और किसको प्रणाम किया? बोले नहीं, अकेले कृष्ण को नहीं, कृष्ण को साथ में श्री कीश्वर जी को भी उन्होंने प्रणाम किया है। क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा, इसमें जो परम शब्द है, बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परादेवता, कृष्ण की पराशक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जुगल की उन्होंने उपासना करते हैं, राधा कृष्ण दोनों को उन्होंने प्रणाम किया। बोले राधा रानी कौन है? बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनसे ये सारे रस प्रकट होता है। इसलिए राधा रानी कौन है? बोले वैदग्ध सिंधु रनुराग सिंधु बात्सल सिंधु रति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधु रसमूर्ति कृपायक सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे रसकेले सिंधु। इसलिए यहाँ कहते हैं जो श्रीमती राधा रानी जैसे सप्त समुद्र है, इखुरस का समुद्र, दूध का समुद्र, लवण समुद्र, खीर समुद्र, सात समुद्र है, कहते श्री किशोर जी के अंदर में ये सारे रस राधारानी के अंदर में, ये बात्सल्य की सिंधु, दया की सिंधु, कृपा की सिंधु हैं, अनुराग का सिंधु, अमृत की सिंधु, सारे जो समुद्र श्रीमती राधा जी के अंदर में। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो, बोले श्री वृषभान राज नंदिनी राधा रानी की। इसलिए सारे रस राधा रानी से प्रकट, बोले कैसे प्रकट होता है? बोले अन्यात दितरतस्य, मतलब है जब राधा रानी मान करती हैं, हर श्याम सुंदर
राधा रानी को मनाने के लिए चाहते हैं। कहते यद्यपि कृष्ण सुंदर है लेकिन ये सबसे ज्यादा सुंदर कब कृष्ण होते हैं। बोले राधा रानी जब मान करे और श्याम सुंदर राधा रानी की चरण में पड़ते हुए हा खाते हुए राधा रानी के मनाते हैं उसी समय कृष्ण सबसे ज्यादा सुंदर कृष्ण उसी समय लगते हैं। कहते ऐसे जो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण हम सब के सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की, इसलिए कहते ये प्रणाम श्लोक। लेकिन कहते जो दूसरा श्लोक क्या है, कहते ये प्रतिज्ञा है। बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है, देखो ये भागवत कथा की इतनी, भागवत का जितना महिमा है और किसी की इतनी महिमा नहीं, और किसी ग्रंथ की इतनी महिमा नहीं। इसलिए एक श्लोक में उन्होंने तीन उन्होंने प्रतिज्ञा करते हैं। बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र, मतलब भागवत में कोई कपटता की बात नहीं, केवल भगवान की शुद्ध प्रेम की बात, जिसमें धर्म, जिसमें अर्थ, जिसमें काम, यहाँ तक भी जगत में तीन वर्गों को लेकर दुनिया पड़ा हुआ है, हैं? कैसे धर्म करेंगे, अर्थ कमाएंगे, अर्थ करके कैसे स्वर्ग भोग करेंगे, इसको ऊपर में दुनिया के लोगों को पता ही नहीं। लेकिन कोई कोई लोग केवल मुक्ति की बाहर में कोई कोई बात करते हैं, लेकिन भागवत में प्रोजीत मतलब संपूर्ण रूप में जिस मुक्ति को भी जिसने निकाल दिया गया है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं दीयमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवनो बिना। अगर मैं कहता हूँ ना मेरे भक्तों को भैया मुक्ति ले लो, नहीं नहीं मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें तो आपका चरण की भक्ति चाहिए, आपकी चरण की हमें सेवा चाहिए। अगर हृदय में प्रभु की भक्ति आ जाए ना, भले भक्ति स्तय स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन दिव्य किशोर मूर्ति। अगर हृदय में प्रभु का भक्ति आ गया, साक्षात भगवान की जो किशोर मूर्ति जो कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाए, ये जो धर्म अर्थ जो काम है ये क्या करते हैं, ये हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं। कब भक्त लोग हमें थोड़ी सी अपना सेवा में स्वीकार करें। बोले मुक्ति कहाँ खड़ी रहती है, बोले दरवाजे को बाहर खड़ी रहती है। भक्त लोग हमें कृपा करके कब थोड़ी सी हमें स्वीकार करे और हमारे जीवन धन्य हो जाए। कहते जैसे एक महारानी, जब महारानी चलती है क्या होता है, उसको पीछे जितने चेले चापाटी सब चलती हैं पीछे पीछे। ये भक्ति कौन है, ये महारानी। और भक्ति स्वरूपिणी कौन, ये श्रीमती राधा रानी। जब राधा रानी चलती हैं, जैसे उनको पीछे ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी सारी सखियाँ उनको पीछे पीछे चलती हैं, उसी तरह जब भक्ति आती है हृदय में और जितने सबके सब उसको पीछे अपने आप आ जाते हैं। इसलिए भक्त लोग प्रभु की सेवा को छोड़ करके भक्ति छोड़ करके देने पर भी भक्त लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। बोले श्री भक्ति महारानी की। इसलिए कहते हैं जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ किसी के लिए, बोले निर्मत शरणाम सताम, ये निर्मत साधुओं के लिए ये श्रीमद् भागवत है। जिसके हृदय में कपटता है ये कपट व्यक्ति के लिए ये भागवत ग्रंथ नहीं। जिसके हृदय में छल प्रपंच हो उससे भागवत तो उससे बहुत दूर है। इसलिए बोलते हैं धर्म प्रजीत कैतव अत्र कहते वैद्य वास्तवम अत्र। कहते भागवत में क्या है, बोले जिसमें वास्तव सत्य को जिसमें स्थापन की गई ये भागवत ग्रंथ में, और ये भागवत सुनने की इच्छा मात्र से ही कथा में आए नहीं, घर में बैठे हो, इच्छा अगर हो गई, अगर कोई बोल दिया बोले बहन तू कथा में चली जा, तू कथा में चली जा, घर का काम मैं संभाल लेती हूँ, अगर इतना भी कोई बोल दे ना, ठाकुर जी इसके हृदय में आकर के ऐसे बंध जाते हैं, हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलते हैं। इसलिए कहते भैया इसको कौन सुन सकते हैं कथा को, कहते साधारण व्यक्ति कथा को नहीं सुन सकते हैं। बोले जिसको करोड़ों करोड़ों जन्म की जिसकी पुण्य हो वही व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर हो, अति हरि कृपा जा पर।
शंकर जी कहते पार्वती किसको ये भागवत कथा मिलता है, बोले अति हरि कृपा, थोड़ी मोड़ी कृपा नहीं, जिसको ऊपर विशेष कृपा हो। उदाहरण दिया, जैसे आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है, शादी नहीं तो बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, बताओ उसमें कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दोगे वही आएगा, अगर किसको निमंत्रण नहीं दोगे आप घर में आएगा? जैसे आपका घर को 9 इंची दीवार को पास में एक व्यक्ति का घर, लेकिन आप उसको न्योता नहीं दिया, वो क्या तुम्हारे घर में आएगा क्या? अगर कोई विदेश में हो, है लंदन फ्रांस जर्मनी विदेश में हो, अगर आप उसको निमंत्रण दिया वो आएगा कि नहीं आपका घर में? इतना दूर होने पर भी वो आएगा आपके घर में, लेकिन पास में अगर निमंत्रण नहीं दोगे तो नहीं आएगा। इसलिए कहते कथा में कौन आता है, बोले जिसको बांके बिहारी ने निमंत्रण दिया। अभी तो फोन कर देने पर हो जाते निमंत्रण की जरूरत, हालो हाँ आ जाना, हमारी शादी की सालग्रह है। इसलिए मानो ठाकुर जी आपको फोन किया है आपके घर में, फोन गया कि नहीं, किस किस के पास फोन गया है? हाँ, इसलिए आप लोगों के पास में ठाकुर जी की ये फोन गई है, इसलिए आप लोगों ने ये भागवत कथा में वही आ सकते हैं, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति ये कथा में आते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई बोले भैया हम तो पुण्यात्मा है नहीं, बोले बनने का जरूरत नहीं, कथा में आओ और कथा में केवल बैठ जाओ और ये कथा सुनते 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 ना अपने आप तुम पुण्यात्मा बन जाओगे, अपने आप बन जाओगे। इसलिए किसी गुण की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। कहते भागवत का जो तीसरा श्लोक मंगलाचरण की है, कहते ये आशीर्वाद देते हैं, क्या देते हैं? ये आशीर्वाद हमें देते हैं। कहते ये श्लोक कौन सा श्लोक है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावुका। कहते इस श्लोक ऊपर में हमारे चिराग प्रभु थोड़ा बोलेंगे इस श्लोक ऊपर में। और देखो ये जो श्लोक है, कहते ये भागवत का इतना महिमा क्यों? बोले जो वेद को बताया ये कल्प वृक्ष क्या है? अरे बोलो जोर से, उधर जाओ। कहते ये कल्प वृक्ष है, लेकिन एक वृक्ष का महत्व कब है? जैसे आपको घर को सामने एक बबलू का पेड़ है, आप बोलोगे अगर पेड़ बड़ा हो गया ना क्या इसे काट दो, क्यों? क्यों कोई फल देगा नहीं। लेकिन कोई चीकू का फल हो, कोई आम का फल हो, नहीं तो कोई सेब का फल हो, क्या बोल भाई पानी दो, ये पेड़ को रखा करो, क्यों? ये बड़ा होकर के उसमें सुंदर फल आएगा। कहते उसी तरह कहते ये वेद का इतने महत्व क्यों है? बोले कारण है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, इसलिए ये वेद का महिमा है जिसमें ये भागवत रूपी जिसमें फल है। हैं ये फल क्या है? बोले गोपियों ने जैसे भजन की, गोपी प्रेम ही ये फल है। बोले उसमें रस क्या है? बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम ही इसमें रस है, गोपियों की भाव इसमें प्रेम है। कल यद्यपि ये रस को सब लोगों ने पिया है, सब लोगों ने भक्तों ने पिया, शांत दास्य बात्सल्य सब लोगों ने भक्ति रस को पान किया, लेकिन कहते हैं लेकिन पूर्ण रूप में रस को किसने पान किया? बोले ब्रज गोपियों ने जैसे पान किया, इसलिए वेद में वामन पुराण में आता है इन लोगों ने गोपियों ने कठोर तपस्या की। भगवान कृष्ण जब संतुष्ट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम गोपी रूप धारण करते हुए आपकी चरण की सेवा चाहते हैं। भगवान बोले ये नहीं होगा, और कोई चीज मांग लो। बोले नहीं, हमें तो केवल गोपियों का ही भाव चाहिए, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, केवल गोपी प्रेम चाहिए। भगवान का ठीक है, तुम लोग जाओ, तुम लोग है ये वेद का मंत्र थे। बोले द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर मैं तुम लोगों को प्राप्त होऊंगा। इसलिए जो गोपियां हैं ना, ये कोई लड़की नहीं, ये वेद का ऋचाएं, बड़े बड़े ऋषि लोग, दंडकारण्य का जो ऋषि लोग, यही लोग ही ये द्वापर युग में गोपी रूप धारण करके आते हैं। फिर भगवान के अधरामृत को वो रस किया, बोले कृष्ण के अधरामृत वो रस को तभी ये लोग पान करते हैं। इसलिए रस को सभी नहीं पान कर सकते हैं, कौन पान कर सकते हैं? बोले दो व्यक्ति केवल पान कर सकते हैं। कितना लोग?
कौन कौन बोलो? एक रसिक और एक भावुक हैं। जो रसिक मतलब जो रस में शराब रहो, भावुक मतलब कृष्ण भक्ति रस में जो भावना जिसकी हो। कहते केवल यही दो लोग पान कर सकते हैं, ये वस्तु को सभी नहीं पान कर सकते। इसलिए मतलब आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए ना, आप लोग रसिक भावुक है, इसलिए ये कथा में तुम लोग आए हो सुनने के लिए। और कन्हैया जैसे बंसुरी बजाए, कहाँ पर? बंसी बटको नीचे। लेकिन ये बंसुरी की आवाज़ सब नहीं सुन पाए। ब्रज में तो सखा सखी गैया बछड़ा सबके सब ब्रज में थे। इसलिए भगवान का जो बंसुरी की आवाज़ जो दो तरह का है, कितने तरह का है? एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपीभूत मनोहर। मतलब है कृष्ण कभी कभी ऐसे मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं जिसको पूरा ब्रजवासी सुन सकते हैं। लेकिन कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते हैं ना, ये गोपियों के सिवाय किसकी कान में ये बंसुरी की आवाज़ नहीं पड़ी। इसलिए ये हमारे श्री गौड़ीय मठ में, गौड़ीय मठ का नाम क्या है? राधा गोविंद गौड़ीय मठ में। यहाँ पर कन्हैया तो बंसुरी बजाई लेकिन इस सब गोपियों को, सब गोपों को कान में नहीं पड़ा। लेकिन कृष्ण जिसको बुलाना चाहते थे ना, यही इनकी कान में बंसुरी जाए, वही लोग ही आए। इसलिए उन्होंने तो बंसुरी बजाए लेकिन बंसुरी किसको किसको कान में पड़ी? आप लोगों को कान में पड़ी, आप लोग सबको कान में नहीं पड़ी। नहीं तो पूरा बड़ौदवासी आ जाते ना, हाँ सब बड़ौदवासी आ जाते। लेकिन कुछ लोग हापुड़ से, ये इसका आवाज़ हापुड़ तक भी चली गई इसलिए हापुड़ तक भी चली गई। और वहाँ से भी कुछ गोप गोपियाँ वहाँ से भी कथा सुनने के लिए यहाँ तक आ गई। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रसिक और जो भावुक है वही लोग ही रस को पान कर सकते हैं, जो बड़े भाग्यशाली, हाँ बड़े भाग्यशाली ही पान कर सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो, जो कल है ना, कल एकादशी, कल क्या है? देखो अगर कथा को अंदर में ये एकादशी व्रत आ जाए ना, ये कथा समझो चार चांद लग जाती है। और ये कौन सा महीना है? पुरुषोत्तम महीना। पूरा महीना को तीन साल के बाद में एक बार आती है, और एक बार में केवल दो बार एकादशी आती है। कितना बार आती है? दो बार। और उसमें अगर पुरुषोत्तम महीना में फिर अगर एकादशी आ गई ना, समझो चार चांद इस कथा में लग गई। इसलिए बड़े सौभाग्यवान, इसलिए कल सबके सब एकादशी व्रत रखियो। अगर हो सके तो कोशिश करना कल सवेरे ठाकुर जी का मंगल आरती 5 बजे होता है, 5:20 बजे शुरू हो जाती है आरती। अगर हो सके तो कम से कम कोशिश करना जो आसपास में रहते हो, विशेष करके मंगलारती दर्शन करने के लिए। बड़े गुरु जी कहते थे ठाकुर जी का मंगलारती दर्शन करो ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत प्रति। मंगलारती जब ठाकुर का दरवाजा खोलता है, सामने जो खड़े होते हैं उनको ऊपर में ठाकुर जी की नज़र पड़ता है। नज़र पड़ने पर क्या होता? सारे अमंगल दूर हो जाता है। इसलिए कल कोशिश करना आसपास में जिनका घर है, क्योंकि ये तीन साल के बाद में ये एकादशी आती है। कितना साल के बाद में? तीनों साल के बाद में। इसलिए सबके सब आना। और हम लोग भी सवेरे 10-15 मिनट क्या करते हैं, हम थोड़ी चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनाते हैं। महाप्रभु कौन, जगत में क्यों आए, जगत को क्या देना चाहते हैं, हम थोड़ी सी महाप्रभु की कथा सुनाते हैं। और थोड़ी सी महाप्रभु का कथा सुनना और घर में जाना, ठीक है ना? कोशिश करना कल कम से कम एकादशी का दिन आने के लिए मंगल आरती में। बोलो सुनो नवरी प्रभु, उसके बाद आप थोड़ा बोलो, ठीक है? बोलो चादर को ऐसे पकड़, ऐसे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कालिन्द्या मुनिनेषु केलिकुपितः मुसृज्य रासेरसं गच्छन्तु मनुगच्छतो सुगुरुसां कंसद्विषो राधिका त्वत्पादम प्रतिमानिवेशदपदः सुभूतरो मुद्गते रक्षन्नु नुनयः प्रसन्नदयिता पृष्टस्य पृष्टा पृष्टस्य पृष्टा।
कृष्णा, सबसे पहले मैं अपने श्रीपाद सद्गुरुदेव पूज्यपाद निवेदन श्रीधर महाराज जी के चरणों में बार बार बड़ी बात करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण महाराज जी के चरणों में बार 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 वंदन करता हूँ। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु समेत समस्त परिकर एवं समस्त गौ समस्त गुरु गौरव परंपरा समस्त परंपरा जयुक्त हूँ एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों आप सबको मैं बार 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 वंदन करता हूँ। मेरे श्री महाराज जी का श्री गुरु का आदेश है कि मैं श्रीमद् भागवत जी के विषय में उनकी कृपा से कुछ कह पाऊँ। श्री गुरुदेव तीसरे मंगलाचरण पे तो हैं, उसको गुरुदेव ने स्पर्श किया है। निगम कल्प तरुगलितं फलम् निगम कल्प तरुगलितं फलम् शुकमुखमादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरुण साधारण अर्थ, निगम किसे कहते हैं, निगम शब्द का क्या अर्थ है, वेद परक अर्थ है। नी विशेषेण अशेषेण गमयति पुरुषार्थ चतुष्टयम् निगमः इति वेदः। वेद श्री वेद को ही निगम कहते हैं। वेद की दिव्य ऋचाओं की जिसमें वेद की दिव्य ऋचाएं प्रतिष्ठित हों से निगम कहते हैं। निगम श्रीमद् भागवत जी क्या है, निगम कल्पतरोरु गलितं फलम्। वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोरु गलितं फलम्। अब श्रीपाद चक्रवर्ती की टीका से सुनिए। निगम शब्द जो वेद है यह कौन सा वेद है, श्री कृष्ण रूपी जो श्रीमद् भागवत जी हैं, जो श्री कृष्ण रसमालय जो दिव्य जो श्रीमद् भागवत जी रूपी जो फल है वेद का, वही वेद आकर के श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। जय 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 हर जामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना चरतो ये वेद है। जो वेद समस्त वेद एकत्रित होकर के श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं वह वेद है। वेद रूपी वृक्ष की प्रत्येक शाखा जो है, देखिए वेद का उच्चरित देखो। वेद जो है वेद में क्या कहा जाता है, आत्मा बारे निष्कर्ष शोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्यो, ये वेद के उपाख्यान है। श्रोतव्यः संत वाक्येषु, संतों के वाक्य को सुनना ही श्रोतव्य है। इसलिए निगम कल्पतरोरु, ये निगम शब्द जो है वेद रूप भागवत जी है, ये वेद का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोरु पका हुआ फल है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव जी जो मैंने कल बताया था श्री राधारानी के कृपा पात्र हैं, उन्होंने अपनी चोंच मार दी अर्थात श्री राधा रानी की दिव्य कृपा का स्पर्श कर दिया। निगम कल्पतरोरु गलितं फलम् शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् रसिकाः भुवि भावुकाः। यह रसमालयम् है। रसमालयम् का अर्थ क्या है, रसमा इति राधा तस्य लयम्, रसमा इति गोपी इति गोपी तस्य लयम्। श्रीमद् भागवत जी का दिव्य जो फल है, श्रीमद् भागवत जी का जो दिव्य फल है उसका रस क्या है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं गोपी प्रेम, गोपी प्रेम ही उसका रस है। देखिए जब श्री कृष्ण जो है, जब श्री कृष्ण भागते हैं माखन को चुरा करके और जब गोपियां पीछे पीछे उसका पीछा करती हैं, तो गोपियों को एहसास होता है कि अरे ये जो भूमि है ये बहुत ही गर्म है, श्री कृष्ण भागे जा रहे हैं,
और यदि ये ऐसे ही भागे गए तो इनके पैर में कहीं फफोले ना पड़ जाए, इसलिए गोपी वही रोक देती है। नीतम यदि नीतम 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 आहत पिता पित भूमहु माधव माधव माधव। नीतम यदि नव नीतम 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 तू क्यों देना। अरे लाला तू भागवत ये तो नवनीत है, नवम नवम नीतम ये तो फिर से निकल आएगा माखन तो, लेकिन तू भागवत क्योंकि आहत पिता पित भूमहु ये जो गरम गरम भूमि है इससे तेरे चरणों को कष्ट होगा और अगर तेरे चरणों को कष्ट होगा तो हमारे हृदय को कष्ट होगा, इसलिए ये फल है गोपी प्रेम। भैया और फलम का और फलम शब्द का अर्थ किया है चक्रवर्ती पाद ने, रसमा इति राधा रसमालयम आलयम रस प्रवर्तम इति राधा। श्री राधा रानी साक्षात राधा रानी का प्रेम ही रसमालय है। यहाँ पर श्री कृष्ण जब कुंज गली में प्रवेश करते हैं तो राधा रानी एकदम से जाकर के और अपने महल का दरवाजा बंद कर लेती है। तो श्री कृष्ण पहुंचते हैं और खटखटाते हैं दरवाजा। जब खटखटाते हैं दरवाजा तो राधा रानी पूछती है कोयम द्वारी कौन है। तो ठाकुर जी कहते हैं अहम हरि मैं हरि हूं। शाखा मृग शास्त्र अरे मैं हरि हूँ। राधा रानी सोच रही हरि अब हरि शब्द के तो कई अर्थ है, एक हरि शब्द का अर्थ है बंदर। तो राधा रानी बोली बंदर अरे भैया मुझे बंदर से तो बहुत डर लगता है। तो ठाकुर बोले कृष्णोहम दैते दिघोमि सुंदरम कृष्णोहम नमा नरात। अरे दैते प्रिय मैं कृष्ण हूँ कोई बंदर नहीं हूँ। अब कृष्ण शब्द के भी दो अर्थ है, एक कृष्ण ककारो कृष्ण जो आकर्षित कृष्ण जो कृष्ण आकर्षण कर ले वह कृष्ण है और एक कृष्ण का मतलब काला। तो राधा रानी बोली कृष्ण और वानर काला बंदर भैया काले बंदर से तो मुझे बहुत डर लगता है। तो ठाकुर जी बोले राधे हम मधुसूदनो हे राधे मैं मधुसूदन सूदयम तू मन मधुआ। मधुसूदन का एक अर्थ होता है भवरा मधुया भवरा भवरा शब्द भवरा अर्थ होता है। तो राधा रानी बोली भवरा है तो जाकर किसी फूल पे गुंजार कर यहाँ पे क्यों आए हैं। देखने वाले श्री हरि चक्रवर्ती पाद कहते हैं हिरणो हरि पातु माम। उस हारे हुए राधा रानी के सामने हारे हुए हरि की हम शरणागति लेते हैं जिसने श्री राधा रानी के दरवाजे से जो भिखमंगा बनकर के लौट रहा है। इस कारण से रसमा इति राधा। देखो निगम निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुभ मुखात अमृत द्रव संयुतम। एक बार क्या हुआ जो नंद बाबा है उनके घर से महाराज रस बट रहा था तो नंद बाबा की एक शर्त थी कि रस तो ले लो पर पात्र लेकर के आओ। तो पात्र लेने पात्र लेकर के आओगे तभी तो तुम्हें रस मिलेगा। तो राधा रानी यह देख रही थी जब राधा रानी यह देख रही थी तो महाराज लाइन लगी हुई थी रस के रस को लेने के लिए। नंद बाबा डाले जा रहे थे श्री कृष्ण डाले जा रहे थे लेकिन कुछ लोग पात्र को नहीं लेकर के आए और जब पात्र को नहीं लेकर के आए तो नंद बाबा ने उल्टा भगा दिया। यह देख करके राधा रानी को बड़ा बड़ा ही महाराज बहुत पीड़ित हुई। जाकर के वृषभानु नंदिनी श्री वृषभानु के पास जाकर के बोली आ वृषभानु जी को बोली कि नंद बाबा रस के दर्शन करे श्री कृष्ण रस को दे रहे हैं लेकिन मैं पात्रता दूंगी मैं पात्र दूंगी इसलिए भजन की पात्रता कहां से आएगी। श्री राधा रानी के चरणों को वंदन करके ही भजन की पात्रता राधा रानी की इसलिए भजन की पात्रता श्री किशोरी जी देंगी। पात्र वो पात्र का विचार नहीं करती हम बुरे हैं हम गंदे हैं हम कामी हैं क्रोधी हैं लोभी हैं अन्य अन्य प्रकार के मात्सर्यों से युक्त हैं वह ये विचार नहीं करती। वे तो साधारण बड़ी कोमलांगी कोमलांगा है श्री जी। पात्रम पात्र विचारणम न कुरुते वे कभी भी पात्र अपात्र का विचार नहीं करती। एक बार जो श्रद्धा पूर्वक श्री राधा रानी के चरणों में शरणागत होता है उनको वह शीघ्र ही भजन की पात्रता प्रदान कर देती है सद्गुरु के द्वारा।
इस कारण से निगम कल्पतरु गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो इस रसमालयम रस 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 से संलिप्त हुए श्रीमद् भागवत को पीते रहो बार बार पियो क्योंकि कथा का रस कहाँ से आया है हमारे रसिक जन कहते हैं कथा को रस वृंदावन सो आयो कथा को रस वृंदावन सो आयो अरे शुकदेव परीक्षित ही गायो शुकदेव परीक्षित ही गायो कथा को रस वृंदावन सो आयो कथा को रस वृंदावन सो आयो ये वृंदावन से चलाया है श्री राधा रानी और श्री गोविंद के दिव्य रस के इस कारण से मुहुर हो रसिका भूमि भावुका इसको कौन पान कराएगा जो रसिक है रसिक कौन है जो रसिक शेखर श्री कृष्ण और रसिक शेखर श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के चरणों में शरणापन्न होगा वही रसिक है जिनको श्री राधा रानी अपनी कृपा से पोषित करेंगी वह रसिक है इसलिए रसिका भूमि भावुका जिसके अंदर मद है वो कभी भी भावुक नहीं हो सकता भावुक कौन होता है जिसके अंदर श्री कृष्ण प्रेम है यह चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कौन भावुका का भावो भावुका यस्य श्री कृष्ण प्रेम स्फुटित अथवा प्रतिष्ठित यदि भावुका भावुक वही है जिसके हृदय में श्री राधा रानी का दिव्य प्रेम है इसलिए रसिका भूमि भावुका कोई कहे वेद के चार फल लेत ही मन में अकारण जू समस्त भगना सही है सारे के सारे दोष मिट जाएंगे कोई कहे तीर्थाटन को जाए जाए दर्शन करो जाके दर्शन में समस्त पाप धुल जाए है पर रसिक कहे एक बार सुन लो यह मान जात अरे राधा गोविंद के चरण शरण गई है श्री राधा और गोविंद के चरण शरण से पहुंच करके रसिका भूमि भावुका रसिक और भावुक रूपी श्री गुरुदेव जब हम पे कृपा करेंगे तब जाकर के वह दिव्य कल्प वृक्ष जो वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत वो हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा वो हमें महाराज आनंद दे आनंद प्रदान करेगा आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णानुराग आस्वादनम यही श्रीमद् भागवत जी के तीसरे मंगलाचरण की कुछ भूमिका इस कारण से इतना ही मेरा इतना ही गुरुदेव का आदेश था इस तीसरे मंगलाचरण पे कुछ स्पर्श करने का इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कर पतुर्देश श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय जय श्री राम देखो इसलिए हम ये बच्चों को खड़े करते हैं जब हमारे बड़े गुरु जी थे ना हम लोगों को उन्होंने कैसे सिखाया ऐसे ही बीच बीच में हम लोग खड़े करते थे हम लोग को बोलते 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 सीख गया नियम है भागवत कथा में जो भागवत कथा करते हैं उनको ही कथा सुनानी चाहिए नियम है लेकिन अगर हम भी सुना हम तो बुढ़े हो गए और कथा सुनाएंगे फिर हमारे बाद में बच्चे लोग तैयारी हो रही और ये प्रभु लोग तैयारी हो रही खैर की परंपरा को यही लोग ही ये परंपरा को रखे देखो एक उदाहरण दिया आप लोगों ने कभी नदी पार किए हो कौन कौन नाव में बैठ कर नदी पार जैसे जब हम नदी पार करते हैं नाव इसी किनारा से उसी किनारे तक हमको पहुंचा देता है पहुंचाने पर नाव कहाँ रह जाती है जिस किनारा में हमें छोड़ता है नाव उधर रह जाती है नाव को छोड़ा उधर उधर रह जाता है लेकिन जो वैष्णव लोग है ना ये जो संत लोग वो नाव से तो पार होते ही हैं लेकिन नाव से पार होकर के नाव को उधर नहीं रखते हैं नाव को फिर इधर रख जाते हैं नाव से पार हुए उस पार में पार करेगा नाव उधर रहेगा ना लेकिन वैष्णव लोग क्या करते हैं नाव को इधर छोड़ कर चले जाते हैं मतलब क्या है कि उनको बाद में भी ऐसे शिष्य प्रशिष्य को बनाते हैं फिर तो उनको दर पार हुए ही है लेकिन ये शिष्य प्रशिष्य को छोड़ कर गए ये भी एक एक नाव बन जाते हैं इसलिए इनको पास में जो आते हैं ना फिर उनको भी वो नाव
पार करा जाते हैं। इसलिए वैष्णव लोग गुरुवर्ग बड़े दयालु बड़े कृपालु ये गुरुवर्ग हैं। प्रभु जी नवीन गुरु हरे कृष्ण। ओम अज्ञान से मीरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम है। श्रीमद् भागवतम कथा अमृत यहाँ चल रही है और पूर्ण आनंद आ रहा है। श्रीमद् भागवत की जितनी महिमा का गुणगान किया जाए वह कम है। कुछ यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वर्णन हुआ है पुराणों में और बड़े बड़े जो है संतों ने पूरी पूरी प्रशंसा की। ये जो कथा है ये एक कथा में ही कुछ प्रश्न उत्तर कुछ लोगों के द्वारा हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप श्रवण कर रहे हैं महाराज जी ने कल कथा भी श्रवण कराई है काफी कुछ श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज और परीक्षित महाराज जी का संवाद द्वितीय सूत गोस्वामी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का संवाद और फिर कथा में आगे चलते हुए इसमें श्री मैत्रेय महाराज और विदुर जी महाराज जी का संवाद इसी तरीके से उद्धव जी का और विदुर जी का संवाद और युधिष्ठिर आदि संवाद बहुत सारे संवाद होते चले आए हैं। कई बार हमें इस भागवतम कथा को समझने में चेष्टा जब हम करते हैं तो समझ नहीं पाते क्योंकि कई संवाद इसमें हैं। तो इसीलिए गुरु पद्म आश्रय करके हम यदि इसको समझने का प्रयास करेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। तो कुछ इनमें शिव भागवत कथा जब प्रारंभ है तो उसमें इसको बताया कि ये श्रीमद् भागवत जो है इस भव सागर से पार कराने वाला एक जहाज है नौका। अब उस नौका को चलाने वाला भी कोई समझदार अच्छा अनुभवी केवट होना चाहिए। यदि अनाड़ी केवट को दे दी नौका तो वो वैसे ही भव सागर है और सागर में नौका जा रही है तो वो निश्चित तौर से डूबेगी। इसलिए कुछ श्लोक हैं उन्हें हम श्रवण करेंगे आज। अन्याभिमुत पुराण तरणी श्रेणीरारोहण या सुत धीवरापी लभत के पारम भ्रमन मानस शक्तायुरीव दुस्तर भवा कुपार पारं गत आम श्री भागवत मिदामना तरणिका। संसार धातु से तरने वाले मानव को परम लक्ष्य क्या है इस भवसागर से पार होना और इसके लिए अन्य पुराण में छोटी मोटी जीर्ण शीर्ण नौकाओं का आश्रय ये बताया जो अन्य पुराण है उनका यदि हम आश्रय करेंगे तो उन्हें छोटी मोटी और टूटी फूटी नौका बता दिया अन्य पुराणों को और श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे शक्तिशाली नौका बताया तो अन्य पुराण जो है वो छोटी मोटी और जीर्ण शीर्ण नौका है। उन छोटी मोटी जीर्ण शीर्ण नौकाओं का आश्रय या किसी अनाड़ी केवट असत गुरु का संचालन ही पर्याप्त नहीं। यदि हमने असत गुरु जो आजकल कलयुग में भीड़ चली आ रही है कि भाई गुरु करने का फैशन है चलो गुरु कर लिया नहीं क्या करना है गुरु ऐसा होना चाहिए जो वैष्णव हो और गुरु परंपरा में दीक्षित हो
ऐसे गुरु से हमें दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, तो यही होता है इस श्लोक के अंतर्गत। वह सागर को पार करने के श्रीमद भागवत ही एकमात्र तरणी नौका है। देखो गुरुदेव के आश्रय ग्रहण करके और श्रीमद भागवत रूपी नौका में जब हम बैठ गए, ये अभी नौका ही है, हम सब इसमें बैठ गए और साक्षात गुरुदेव इस नौका को निश्चित तौर से गोलोक धाम लेकर जाएंगे। और सागर तो बहुत छोटी बात है, गोलोक धाम के हम सब जो है अधिकारी हो जाएंगे। बोलो श्री गुरुदेव की जय। आगे आया ये श्रीमद भागवतम, ये छोटा मोटा नहीं, ये पुराणों का भी सम्राट है, अर्थात राजाओं का भी राजा है। उस सारे हैं श्रीमद्भागवता विदो विद्धि सम्राट पुराण प्रभु। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण क्या कर रहे हैं, ये श्रीमद भागवत को चावर डुला रहे हैं, जन सेवा करके ठाकुर जी की, तो ये चावर कौन डुला रहे हैं, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण। और वराह पुराण क्या कर रहे हैं, पंखा चल रहे हैं उनको गर्मी ना लगे, किसको, श्रीमद भागवतम को। श्रीमद भागवतम कौन है, साक्षात श्री कृष्ण जी का ही अंग स्वरूप। तो ब्रह्मांड पुराण छत्र धारण कर रहे हैं, जैसे कोई राजा चलता है तो उसके ऊपर एक छाता बड़ा सा छत्र होता है जिससे कि उनको धूप ना लगे। इस प्रकार श्रीमद भागवत को वराह पुराण जो छाता धारण कराते हैं और स्कंद पुराण जय जयकार कराते हैं। स्कंद पुराण क्या करते हैं, श्रीमद भागवतम की जय, ये करते हैं। और वैष्णव जन आप सब पीछे पीछे चल करके आनंदित होते हुए नृत्य गीत गाते हुए पीछे पीछे जय जयकार करते हुए चलते हैं। ये सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण सभी अयाचकों की अयाचित कामनाओं की भी संपूर्ति करते हैं। सुंदर बात कह रहे हैं, जो यदि कुछ कामना सहित आकर के श्रीमद् भागवतम को सुनता है उसकी तो कामना निश्चित तौर से हो ही जाती है, और जो अयाचक है जो कभी मांगते ही नहीं और उनको क्या आवश्यकताएं हैं वो भगवान और श्रीमद् भागवतम जानते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम क्या करता है, अयाचकों की भी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है। बोलो श्रीमद् भागवत कथामृत की जय। उसके बाद अब श्री कृष्ण का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत, उसके बारे में बताया। श्रीमद् भागवत शास्त्रम श्री हरे रंगम उच्यते पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय चतुर्थो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरम दो युगल तथान्यो कंठस्थो राजन नवमो यदियो मुखारविंद दशम प्रफुल्लम एकादशो यश्च ललाटपट्टम शिरोड़पियद द्वादश एव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्ण सुहितावतारं अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंध है, उसके बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्रथम एवं द्वितीय स्कंध भगवान के चरण कमल, तृतीय और चतुर्थ गंगा है, पंचम एवं षष्ठ नाभि कमल और वक्ष स्थल हृदय कमल, सप्तम और अष्टम युगल जो भाव भुजा है, और नवम स्कंद कंठ है, और दशम जो आप सब हमेशा सुनते आते हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं, वो क्या है, भगवान का मुखारविंद और भगवान के प्राण, और एकादश स्कंद भगवान का ललाट है, माता है, एवं द्वादश स्कंद भगवान का शीश है। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत जो है कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके समस्त अंग इसमें विराजमान है।
बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद भागवत कथा की जय। अतः श्रीमद भागवत भगवान की जो है श्री हरि का अंग माना, तो इसे भगवान ये समझ करके इसीलिए इनकी वंदना होती है। जिसके घर में श्रीमद भागवतम होती है वो कलयुग से उसको डरने की आवश्यकता नहीं। आगे श्लोक आएगा, देखिए आज के दिन मौका मिला तो नहीं तो कल सुनाएंगे। दोहा आया, सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। कह रहे हैं जो सर्वोपरि श्रीमद् भागवतम वो हर किसी के हृदय में विराजमान नहीं होती। किसके हृदय में विराजमान होगी? जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसके हृदय में श्रद्धा होगी उसके हृदय में श्रीमद् भागवतम विराजमान होगा। और जिसके हृदय में विराजमान नहीं होगी, ये भी लिखा जिसके जो मति है अभी माया में लगी हुई है उसको यहाँ पर मंद मति बोला गया। संसार के कामों में जिसकी मति लगी हुई है वो मति महामंद है, और उस महामति मंद के हृदय में ऐसे जीव के हृदय में कभी भी श्रीमद् भागवत के रहस्य कभी नहीं आ सकते। इसीलिए हमें माया में हम रहते हैं, माया का उपयोग कितना करना है जिससे हमारा जीवन चल जाए, लेकिन माया से आसक्ति नहीं लगानी। ठीक है, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। अब भगवान की बहुत सारी लीलाएं हमने गुरुदेव सुनी बहुत बार आप लोगों ने। उसी के एक सुंदर यहाँ पर एक आया कि किस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र कंस की रंगलीला में पहुंचे और कंधे पर भगवान ने हाथी को मार करके उसके दांतों को, एक दांत को रखा श्री कृष्ण चंद्र ने और दूसरे दांत को बलराम जी, और गए रंगशाला में, और वो हाथी को छोटा मोटा हाथी नहीं था, तुबलिया भीड़ जो कि 10,000 हाथियों का बल एकमात्र उस हाथी के अंदर था, उसको खेल खेल में मारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और वो हाथों में और कंधे पर धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी लंबे लंबे जो दांत है भगवान श्री कृष्ण बराबर उससे भी ऊंचे उनको कंधों पर लेकर के गए, और अंदर जाकर के जब गए तो महाराज जी ने कई बार सुनाया वो सुन लेते हैं। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम, योगी योग ध्यान सिद्धि सिद्धन विशेषिय, दुर्जन को शार्दुल मल्लन को वज्रतुल, शत्रुन को सुर प्रजा प्रजापति पेखिए, घनघटारोरन को चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेखिए, कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा, एक ही नंद लाल अनेक रूप देखिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, जागी रही बावना जैसी की प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी, जिस जिसने जैसी जैसी भावना रखी अपनी श्रद्धा जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों में रखी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसको उसी रूप में दिख रहे। कंस को क्या दिख रहे? काल रूप। बाल सखाओं को अपना सखा दिख रहा है कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी कर सकता है। और जो वहां पर स्त्रियां हैं उनको भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल आनंद प्रदान करने वाले कामदेव स्वरूप नजर आ रहे हैं, कामनी को दिख रहे हैं कामदेव स्वरूप इतने सुंदर। इस प्रकार से जो योगी हैं और जो भगवान को पूछते हैं उनको राम के स्वरूप से दिख रहे हैं। ये सारा वर्णन आया तो आज काफी समय हो गया, बाकी क्या कल सुनेंगे। धन्यवाद। वांछा हरे कृष्णा, कल की कथा एकादशी है, तो गुरुदेव कहते थे जब आप लोग आओ अकेला अकेला नहीं, एक एक भक्त, इसलिए कल एकादशी आप लोग कोशिश करना एक एक भक्त कितने
और उसी बड़ी खुशियों से उसको लेकर के आना। गुरुदेव कहते थे अब जिनको लेकर के आओगे उसको जो पुण्य मिलेगा और आधा पुण्य लाने वालों को मिलता है, इसलिए सब लोग सबके सब मिलजुल करके सबको लेकर आना। वो सुधाम कहाँ गए? अरे सुधाम तब तक वो बजाता है तब शरीर खराब होने लगा और उसका साथ यही बजाते हैं। हरे कृष्ण जो जो बड़ोते से आए हैं इनको ले जाओ अंदर में प्रसाद खिलाते हैं। जो बड़ोते से आए ना, नहीं हापुड़ से आए हो, भूल गया, जो हापुड़ से आए हो आप लोग दूर जाना है, आप लोग जाओ अंदर में। जनार्दन जनार्दन ये मान को भीतर ना बस के प्रसाद खोई दियो, कहेंगे ना बहुत लेट है जो जी आओ जाओ मैंने, हाँ तक पटे दो जी भीतर को ते भोग लगे दीच तुम इनको ले जाओ सीखा ते मृदम बजे जा इनको जा खिला दो। ये ये हाँ नहीं कथा था अभी भजन होगा, अभी ठाकुर भजन कथा था विश्राम हो गया, फिर कल होगी। अभी आप लोगों को जाने में लेट हो जाएगा, आप लोगों को इतना दूर में जाने में। हाँ कोई पाइप पहुँच जाएगा दिक्कत नहीं, ठीक है बैठ लाल बाबू जी भजन का। नहीं प्रभु जी वो किसी हाथ आस में ना भूल जाने के काबिल नहीं है।
Thank you.
पांच मिनट होगी ऊपर ऊपर हो गए जय जय श्री। और एक भजन की बात आप महाराज जी भैया आदेश दिया अटकीला मटकीला हो गया अभी बहुत टाइम में बोल दूंगा चौपट्टा खुले के बाद घुसे आओ नंद को लाना है। एक बड़ी गोपी पनहर में चली गई पनिया भर गई और पीछे से ग्वाल वालन की सेना लेके सूनी बाखर देख के नवीन प्रभु सूनी बाखर देख के गुजरी गई है भाई सूनी बाखर देख के घुसे आया चौपट्टा खुले के बाद चौपट्टा खुले चली गई राजा मालूम बोले दारी को कारो आया मैंने ग्वाल वालन ने देखे आओ भैया बोले नंद के लाला की उत्तर के आनंद में जो ताली बजाएंगे भेलो की बहन चौपट्टा खुले के बाद चौपट्टा खुले के बाद उसके बाद उसे आयो Thank you.
ध्यान दिया। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप ये
जय नित्य लीला परमेश्वर विष्णु का दस्तों सरस्वती भक्ति वेदांत सिंह त्रिकम गोस्वामी महाराज की जय।